अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक किचन टिप लेकर आया हूँ, तो काफ़ी यूज़फुल है। अक्सर हमारे ये होता है जी, हमारे हाथ के ऊपर बहुत जलन होती है, मिर्चें लग जाती हैं सब्ज़ मिर्चें काटते हुए, और या इवन देन हम जो है लाल मिर्चें मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं वो हाथ में लग ही जाती है, उसके बाद इंतहा की जलन होती है। तो उससे बचने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टोटका लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही आसान है, घर में अवेलेबल होती है वो सारी चीज़ें। तो अगर आपने बहुत सारी ढेर सारी सब्ज़ मिर्चें काटी हुई, इवन दन 3-4 भी काटी हो, तो हाथों में जलन कम से कम 1-1.5 घंटा नहीं जाती। तो इसका आसान हल मैं आपको बता देता हूँ। घर के अंदर नील जो होता है, नील जो कपड़ों को हम नील देते हैं वो मौजूद होता है, तो आप 2-3 जो है ग्लास पानी डालकर उसके अंदर थोड़ा सा नील 5-6 ड्रॉप डालकर उसके अंदर आप डिप कर दें 1 मिनट के लिए। उसके बाद आप हाथ साफ़ कर लें धो के, तो आपके वो जो मिर्चों की है सारी जलन दूर हो जाएगी। और दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत ईजी और आसान है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा गुड़ लेके, जो गुड़ पाउडर हो तो ज़्यादा बेटर है, उसे पानी में घोल लें, उसके अंदर आप हाथ डिप कर लें, तो उससे भी आपके जो जलन है सब्ज़ मिर्चों की स्पेशली हाथों से ख़त्म हो जाएगी। और जो तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत यूज़फुल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह लें है। उसमें यह है कि आटा घर में मौजूद होता है, आप आटे का एक पेड़ा लेके या हाफ ले लें या एक पेड़ा ले लें, आप उसे फैला के उसे उसके ऊपर हाथ रख के अच्छे तरीके से रब कर लें, तो आपकी मिर्चों की जो जलन है हाथों से वो भी दूर हो जाएगी। तो अब आपको जौन सा भी आसान लगता है वो आप हाथों की जलन को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तरीका। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी टिप जो है होम किचन टिप पसंद आई होगी। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मुझे इजाज़त दें, ओके, चल हाफिज़, टेक केयर।